अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज एयर बैक विद द न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल फन क्लस्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक इन एडवांस टू एवरीबॉडी वाचिंग मी। और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, आज मैं आपको कुछ बजट शॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज गर्मी भी है वैसे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 42 से डिक्रीज करके 38 पे आ चुका है। और बाहर धूप भी इतना कोई सख्त नहीं है, तो गर्मी की वजह से मैंने ये उठा रखा है। पंखा तो है, बिजली भी खड़ी है अभी। अगर लेकिन पंखा चलाऊंगा तो एज़ यूजुअल अगर आपको आवाज़ नहीं आएगी, फिर इसमें वाइंडी वाइंडी मतलब जिस तरह होता है। इस वीडियो में एट द एंड ऑफ द वीडियो पी के रणवीर के लिए मेरा एक मैसेज है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज यू कैन, बिकॉज हो सकता है कोई इस वीडियो का वेट कर रहा हो, क्योंकि इन दुबई हर चीज़ बहुत महंगी है। तो मैं वहाँ रह के आया हूँ, वहाँ पे शॉप्स पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ब्रांडेड चीज़ ख़रीदना। तो नॉन ब्रांडेड चीज़ें वो भी मुश्किल से मिलती है, मतलब वो भी महंगी ही होती हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, मतलब वहाँ से मैंने परचेजिंग की थी, तो आज मैं बिल्कुल जो दुकान पे बंद कपड़े बेचते हैं बाजी बाजी करके, तो उस टाइप का मैं आपको लगने वाला हूँ। क्योंकि मैंने शॉपिंग की थी वहाँ से, तो मैं वही पहन के यहाँ पाकिस्तान आया था, तो वही मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। और कहाँ कहाँ से ख़रीदी और कितने में ख़रीदी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे सिर्फ 40 से 45 दिरहम में आपकी ईद गुजर सकती है, मतलब आप ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दो जीन्स दिखाने वाला हूँ, एक सेम शॉप से खरीदी लेकिन क्वालिटी का फ़र्क है, तो दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स जो मुझे देखते हो वीडियोज़ में, तो वो देख उनको पता होगा कि मैं जीन्स वगैरह एज यूजल नहीं पहनता। तो मैं यूजली शलवार कमीज पहनता हूँ, लेकिन ये मैंने ख़रीदी थी, ये किसी काम की नहीं है मेरी, अब बिल्कुल न्यू पड़ी है। लेकिन ये है भी अच्छी नहीं बिल्कुल, मतलब एक किस्म का जीन्स नहीं है, ये सिर्फ क्लोथ है। तो ये ठीक है, ये मतलब क्वालिटी भी लो है। तो ये 10 दिनों में मैंने ख़रीदी थी, तो आई थिंक 10 दिनों में इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है इसके क्वालिटी के मुताबिक। बट ये एक ब्रांड है एलन ट्रेसी का, जो जीन्स वगैरह यूज़ करते हैं। और मुझे तो अभी पता चला जब मैंने इसको गूगल पे वीडियो बनाने से पहले मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो मुझे तो पता चला कि एलन ट्रेसी एक बहुत अच्छा ब्रांड है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एलन ट्रेसी बटन के ऊपर। तो ये इतना 10 दिरहम का ये मुझे मिली है, ये भी 10 दिरहम की, ओनली जस्ट एंड ओनली 10 दिरहम। तो ये इतनी सस्ती क्यों है, इसकी वजह ये है कि ये फॉल्टीज होते हैं, मे बी ये इसका फॉल्ट हो, क्योंकि मुझे तो ये इसका फॉल्ट ही नज़र है। इसका पॉकेट बिल्कुल छोटा है, मतलब सिर्फ उसमें आप बामुश्किल हाथ ही गुजार सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह नहीं सकते रख सकते हाँ। लेकिन इसका जो पीछे का पॉकेट है वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल तरीके से जितना होता है वो है। और ये अगर आप देखें, मैं इसको देख के ऐसे दो ले लिए ऐसे, और ये बिल्कुल स्ट्रेच में, जो जीन्स वगैरह पहनते हैं उनको पता होगा कि स्ट्रेच कितना अच्छा होता है, वो स्ट्रेच में जो आपको पहले दिखाई वो स्ट्रेच में नहीं है। तो आज फीलिंग पूरी वो कपड़े बेचने वाले की आ रही है, जिसने बंदा कपड़े लेने जाते तो कपड़े बेचने वाला जिस तरह क्वालिटी चेक करवा रहा होता है। तो ये मैंने ख़रीदी है बॉलीवुड से, बॉलीवुड शॉपिंग सेंटर 1 to 10, वहाँ चीज़ें 1 से 1 दिरहम से लेकर 10 दिरहम के दरमियान में मिलती है। तो हर चीज़ें 1 से 10 दिरहम के दरमियान में मिलती है, तो वहाँ पर कोई चीज़ भी ज़्यादा महंगी नहीं होती। वहाँ पर आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी, आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको बेल्ट मिल जाएगा, मतलब ज़रूरत ज़िंदगी के लिए, मतलब पहनने वगैरह के लिए तकरीबन सारी रेंज वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। और वहीं से मैंने एक शर्ट ख़रीदी है, ये शर्ट मैंने ख़रीदी है, मुझे मतलब जैसा आपको पता है जो लोग देखते हैं मुझे, मैं नहीं यूज़ करता टी शर्ट्स वगैरह, तो ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है पूरा, मतलब इस पर ज़्यादा वो काम वगैरह तो नहीं है, प्रिंटिंग इसकी ज़्यादा हुई है। तो मैं नॉर्मली वाइट पहनता हूँ, वहाँ वाइट अवेलेबल नहीं थी उस वक्त, बस वैसे होते हैं वाइट ब्लैक नॉर्मल कलर में। तो मैंने ये उस वक्त ख़रीदा था जब मेरे पास, मतलब जब वहाँ गया था वहाँ अवेलेबल स्टॉक बहुत कम था। तो ये एलन ट्रेसी वाली, ये भी बिल्कुल अच्छी वैरायटी है, आप इजीली ख़रीद सकते हैं वहाँ से। आप ख़रीदें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे तकरीबन ये 4 से 5 बड़ी बड़ी शॉप हैं डेरा दुबई के अंदर ही, तो सब की मैं जो गूगल लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उनको क्लिक करें लिंक पे और ट्रेस करके आप इजीली वहाँ जाके उनसे वो कर सकते हैं। और सबसे जो
शॉपिंग के लिए, मतलब बंदा अगर पाकिस्तान जा रहा है तो उस शॉपिंग के लिए यूनियन मेट्रो स्टेशन, जो कि हर किसी को पता है बहुत ही मशहूर मेट्रो स्टेशन है, उसके बिल्कुल ईस्ट वाले गेट से बाहर निकल के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके, आप सिग्नल क्रॉस करके बिल्कुल जब जाएंगे लेफ्ट में, डे टू डे शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे, उस शॉपिंग सेंटर पे जाएंगे तो वो आपको वहाँ खाने पीने की अशिया तकरीबन हर अच्छी से अच्छी 1 to 10 के दरमियान ही मिल जाएगी। डे टू डे उसका नाम है, उसके 20 दिन की चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन एक ज़्यादातर उसकी यूजली जो चीज़ें हैं वो 1 to 10, 1 से 10 दिनों के दरमियान है। तो वहाँ से आप बर्तन वगैरह अगर किसी ने लेने हो, मतलब यूजली भाई दुबई में बंदा यही कुछ करता है, बर्तन वगैरह जो मतलब बाहर से अगर शॉप से ले तो कम से कम 20-30 दिनों के बर्तन आ जाते हैं, अगर वहाँ से लेगा तो बर्तन उसको वहाँ से सस्ते मिलेंगे, वहाँ से कोई चीज़ और लेनी है उसने वो भी वहाँ उसको सस्ती मिलेगी, और इन शॉर्ट हर चीज़ वहाँ सस्ती मिलती है। और दूसरा है बॉलीवुड शॉपिंग सेंटर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं सबसे ऊपर पर बॉलीवुड शॉपिंग सेंटर की लिंक दूंगा, उसके नीचे फिर मैं डे टू डे की दूंगा, उसके नीचे फिर जो बाकी दो तीन हैं उनकी दूंगा, लेकिन जो ये टॉप पे हैं बॉलीवुड और डे टू डे, आप यहाँ से परचेजिंग करें, ये जो डे टू डे और बॉलीवुड शॉपिंग सेंटर ये सबसे बेस्ट है। मैं यहाँ पे गया, मैंने खुद शॉपिंग की है, ये यहाँ यहाँ तक तो मुझे ये को जहाँ तक मैंने देखा है तो ये बहुत मतलब इनके चीज़ें सस्ती भी हैं, और बॉलीवुड तो वैट फ्री भी है, मतलब जो प्राइस आपको वहाँ के उस पर लिखी मिलेगी वही आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यूजली अभी डे टू डे में पूरे दुबई में 5% वैट लग चुका है, और आप जब भी परचेजिंग करके काउंटर पे जाते हो तो आपको वैट मतलब जो वैट वाट है उसको जो भी टैक्स वगैरह होता है वो आपको काउंटर पे ही पे करना पड़ता है, लेकिन इन बॉलीवुड शॉपिंग सेंटर जो प्राइस लिखा हुआ है आपको वही पे करना है, वो वैट फ्री है। तो मैं प्रिफेयर करूँगा डे टू डे को, इसके अलावा आप दूसरे भी शॉप्स जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो बजट शॉप्स हैं, 1 to 10 के दरमियान ही मिलती है। मैंने वहाँ से बैग वगैरह परचेज़ किए हैं, जो लगेज बैग होते हैं वो भी वहाँ अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स अभी ये चीज़ें मतलब काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई चीज़ों की, अभी दो चीज़ें और रहती हैं, ये लगेज जो आपको मैंने बताए हैं वो लगेज आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने खरीदे थे ये साइड में पड़े हुए थे तो मैंने ये निकलवाए हैं अभी, तो अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो एक टूरिस्ट बैग जिसको कहते हैं, इस पर ये भी लगा हुआ है, जो मैं पाकिस्तान आया था तो अभी तक मैंने इसको निकाला नहीं है, तो आप ये मतलब इसमें ये देखें आप इसकी एक स्टैंड हो सकती है, इसकी क्वालिटी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, आप इसे लेकर सफ़र कर सकते हैं, आप इसको इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, आप बिल्कुल यार टूरिस्ट बैग है, बंदा इसको साथ में ले सकता है घूम सकता है, अगर इसको छोटा करते हैं तो आप इसमें अपना सामान वगैरह डाल सकते हैं। और एक ये दूसरा बैग है लगेज बैग, इसके नीचे हार्ड बोर्ड भी है एक, मतलब कोई बिल्कुल हार्ड बोर्ड नहीं है लेकिन हार्ड बोर्ड है, और इसमें ये भी एक अच्छी मतलब सॉरी इसमें भी बंदा इजीली सामान अपना डाल सकता है वहाँ पे, मैं इसको कैरी करने के लिए यूज़ करता था, मतलब आपको पता है मुझे वहाँ से 2-3 दफ़ा जगह अपनी चेंज करनी पड़ी, तो इसको मैं लेके जाता था अपने सामान वगैरह इसमें दोनों में डाल के, तो मेरा असली सामान होता हुआ करता था उस वक्त, तो इन दोनों में अपना सामान डाल के मैं अपना लेके जाता था। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरे पास एक मैसेज है पी के रामल के लिए, पहली बात तो ये कि आप वीडियो शेयर करें, अगर उनका कोई पर्सनल फैन है तो ये वीडियो ताकि कोशिश करें कि उस उन तक पहुँच जाए, आई एम ए बिग 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 फैन ऑफ यू, और मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रैंक वीडियो बनाएं, जिस तरह आपने एक पीटी सर वालों को कॉल करके उनके साथ प्रैंक किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बाबडिया वालों को कॉल करें, और वैसे तो बिजली खड़ी है अभी यहाँ पे जाती रहती है अक्सर, बहुत बहुत ज़्यादा जाती है अभी बिजली खड़ी है, अभी मैंने खुद नहीं चलाई है, पसीना जो मुझे आ रहा है ये मेरे फैंस के लिए निकल रहा है, और ये मेरी मेहनत है ये, ताकि अगर मैं पंखा चलाता हूँ तो इसके साथ जो वॉइस आएगी वो मतलब वाइंड वॉइस जो आती है, नॉइज़ जो पैदा होती है वो मैं नहीं चाहता कि, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है उनको आवाज़ मेरी क्लियर है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अगर हो सके तो मेरे साथ कोलेब्रेशन करें, मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, अगर आप मेरे साथ कोलेब्रेशन करेंगे तो आपका आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें एज मच एज़ यू कैन, अगर हो सकता है कि किसी की ईद आपकी वजह से बन जाए, मेरी भी यही ईद यही होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें। ये थी चंद शॉप्स और चंद मेरी शॉपिंग्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे हमारे अजीज़ वकारीब वहाँ दुबई में ईद शायद ना गुजारें, ईद की शॉपिंग ना करें, क्योंकि वहाँ बहुत महंगी शॉपिंग होती है, मैं वहाँ गुजार चुका मुझे पता है,
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे और इतना शेयर करेंगे कि दुबई में जितने भी हमारे अजीज वकारीब, हमारे जितने पाकिस्तानी भाई, इंडियन भाई, जितने भी हमारे हैं वहाँ, उनको ये वीडियो पहुँचे और वो इजीली इनको अफोर्ड कर सकेंगे, क्योंकि तो वो इनकी परचेजिंग करें। और पूरी दुबई से कहीं से भी आप जाओ तो इतना कोई खास किराया नहीं पड़ता देरा जाने का। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पीके रंग कुछ धुंधला धुंधला किस्म का है, वहाँ पे इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब जो टेम्परेचर है वो 42 से डिक्रीज करके